व्यूअर्स, ये जो आज हमने स्किन वाइटनिंग एलोवेरा सोप तैयार किया है, इसमें तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं। हमने इसमें इसमें जो है एलोवेरा भी शामिल किया है, ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है, और ये इसके इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं कि ये एंटी एजिंग के तौर पर भी काम करता है, स्किन को वाइट भी करता है, सनबर्न जो आपका हो जाता है सनबर्न को रिमूव करता है। ड्राई स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, पिंपल और बाउंस स्किन को हील करता है। ये कंप्लीट फेशियल पैकेज है। आप इसको फेशियल के तौर पे भी आप इसको सोप को इस्तेमाल, स्किन वाइटनिंग सोप को इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके तमाम स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिमूव करता है। व्यूअर्स, आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये सोप कैसे बनेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं स्किन वाइटनिंग एलोवेरा सोप बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो आपके एंटी एजिंग के तौर पे भी बहुत काम करेगा। स्किन वाइटनिंग के लिए ये सोप बहुत ज़बरदस्त है, जो आपकी सनबर्न स्किन हो जाती है उसको रिमूव करता है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ये एक तरह का फेशियल के तौर पे काम करता है। आइए व्यूअर्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स लेंगे। व्यूअर्स, मेरे पास ये एलोवेरा का लीव है, आप बाजारी एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एलोवेरा बहुत ही ज़बरदस्त है जो नेचुरल आप लेते हैं। इसके साथ मैंने गुलाब अर्क इस्तेमाल करना है, ग्लिसरीन इस्तेमाल करना है, कोकोनट ऑयल है, समंदरी झाग है, अगर आपके पास समंदरी झाग नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पेयर सोप मैंने लिया है और विटामिन ई के 3 कैप्सूल्स हैं। आइए व्यूअर्स, पहले मैं आपको एलोवेरा का जेल निकालना बताती हूँ कि हम एलोवेरा का जेल किस तरह से निकालते हैं। मैंने इस पत्ते को काट के मैंने अच्छी तरीके से धो के इसके जो साइडों पे कांटे होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए थे। अब इसको हम इस तरह से पीसेस में करके, अब डिवाइड करके, अब मैं इसके बैक साइड से मैं इसका ये छिलका उतारूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसका पीछे से जो है पील ऑफ कर लिया है मैंने। अब मैं इसको ये देखें व्यूअर्स, इसी तरह से आपने निकालना है, और मैंने भी इसी तरह से निकाल के इसको पहले से ही शेक करके रख लिया है। व्यूअर्स, मैंने हाफ सोप जो है वो ग्रेट कर लिया है, अब मैं हाफ सोप इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है एलोवेरा के जेल के डालने, तकरीबन 1 टीस्पून जो है हम समुद्री झाग डालेंगे, ये समुद्री झाग है। हाफ टी स्पून जो है तकरीबन हम कोकोनट ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून हम ग्लिसरीन डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम गुलाब अर्क डालेंगे और एक विटामिन ई का कैप्सूल जो है उसका ऑयल निकाल के डाल देंगे हम। इनको मिक्स पहले अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर मैंने पहले से ही पानी गर्म करके रखा हुआ है, हम इसे डबल बॉयलर में पकाएंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक सोप जो है हमारा मेल्ट ना हो जाए। प्योर्स, देखें ये सोप बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, तमाम चीज़ें जो हैं इसमें मुकम्मल तौर पे मिक्सअप हो चुकी हैं। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे से उतार के थोड़ी देर के लिए नॉर्मल किया है। अब मैं इसको कंटेनर्स के अंदर डालूंगी, और कंटेनर्स भी मैंने ये वाले लिए हैं जो मेरे पास आम डब्बियाँ मौजूद थी। मैंने इसको जो है ग्रीस कर लूँगी, आप कोकोनट ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं और वैसलीन से भी ग्रीस कर सकते हैं, ताकि ये सोप जो है इसके अंदर जब वो फ्रीज हो जाता है तो फिर आसानी से निकल आता है। तो अब मैंने इसको ग्रीस कर लिया, अब मैं ये जो है मिक्सचर जो है सारा मैं इन्हीं कंटेनर्स के अंदर डाल दूंगी, और इसको हम
तकरीबन जो है आप 2 घंटे के लिए, अगर आप 2 घंटे के लिए बाहर रख देंगे तो बाहर भी ये सोप जो है तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए। व्यूअर्स अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी। व्यूअर्स ये थी आज के हमारे स्किन वाइटनिंग एलोवेरा सोप। उम्मीद है आपको हमारी ये होम रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये होम रेमेडी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।